डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में अब बढ़ती जा रही है। हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज पेशेंट जरूर मिल जाएगा। ऐसे में लोग चाय के भी काफी शौकीन होते हैं, लेकिन क्या डायबिटीज के रोगी को खाली पेट चाय पीनी चाहिए या नहीं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल डायबिटीज के पेशेंट को कुछ भी खाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उससे उनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा प्रभावित तो नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डायबिटीज के मरीजों का शरीर काफी सेंसिटिव होता है। ऐसे में अगर वो कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं तो इससे उनका ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है, जिससे उन्हें कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सुबह सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने का ट्रेंड है। लगभग हर दूसरे घर में लोग अपने दिन की शुरुआत सुबह खाली पेट चाय पीने से करते हैं। सवाल यह है कि क्या डायबिटीज के रोगी सुबह खाली पेट चाय का सेवन कर सकते हैं, इसका उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। हालांकि डायबिटीज के रोगी सुबह खाली पेट चाय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी आदत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर व्यक्ति रेगुलर खाली पेट चाय का सेवन करता है तो इससे कभी भी उनका ब्लड शुगर लेवल तेजी से स्पाइक कर सकता है। ऐसा खासकर उन लोगों के साथ होता है जो डायबिटीज के रोगी अपनी चाय में एक्स्ट्रा चीनी लेना पसंद करते हैं। वहीं अगर कोई इंसान सीमित मात्रा में कम चीनी वाली या नो शुगर टी पीता है तो ये उनकी हेल्थ के लिए सही हो सकती है। डायबिटीज के रोगी दूध वाली शुगर युक्त चाय के बजाय हर्बल या ग्रीन टी पीते हैं तो ये उनकी हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। वहीं काली चाय भी उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा चाय में कैफीन होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो डायबिटीज पेशेंट्स को ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए, ये उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। जहां एक ओर शॉर्ट टर्म में इसके अलग प्रभाव पड़ते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म में भी इसका हेल्थ पर बुरा असर देखा जा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज के रोगियों को जब तब चाय नहीं पीना चाहिए। चाय हमेशा उनकी बैलेंस डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए, साथ ही कितनी मात्रा में चाय पी रहे हैं ये बात भी मायने रखती है। डायबिटीज के मरीजों को फ्रीक्वेंटली शुगर युक्त चाय पीने से बचना चाहिए। बैलेंस्ड नाश्ते के साथ चाय पीना अच्छा विचार हो सकता है। वैसे तो डायबिटीज के पेशेंट्स को चाय का सेवन करने से पहले कॉन्शियस रहना चाहिए। नाश्ते के साथ चाय पीना पसंद हो सकता है, लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है और अलग तरह के फूड पर बॉडी का रिस्पॉन्स भी अलग अलग हो सकता है। साथ ही अगर कोई ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन ले रहा है तो उनका बॉडी रिस्पॉन्स चाय पर अलग हो सकता है। इसलिए हमेशा किसी भी चीज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने से पहले अपनी बॉडी रिस्पॉन्स को समझें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।